एवरीवन, माय नेम इज़ अनुजन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। आप लोग बोल रहे होंगे कि ये दो तीन दिनों से अपना व्लॉग छत पे क्यों स्टार्ट कर रही है, बिकॉज़ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इसलिए मज़ा क्योंकि देहरादून का इतना सुंदर मौसम हो रहा है एंड सबको दिखाना मेरे व्लॉग्स में। एंड डेली वालों को खासकर जेलसी फील करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ डेली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एंड गर्मी तो यहाँ भी है, बट ऑनेस्टली कहूँ तो वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे गर्मी ऐसी है कि बारिश हो रही है, थोड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, देन उसके बाद दोबारा उमस हो जा रही है। खैर फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा, बट कुछ टाइम के लिए थोड़ा बहुत ठंडा हो जा रहा है। सो व्लॉग मैंने स्टार्ट करना था, सो मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं कपड़े उतारने आई थी, बिकॉज बारिश वाला मौसम हो रहा है पूरा। सो मैंने सोचा कि अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर दिया जाए, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मौसम के साथ व्लॉग स्टार्ट किया जाए, ताकि आपका दिन भी सुंदर और अच्छा अच्छा हो। ओके गाइस, तो ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर मौसम हो रहा है देहरादून का। एंड आजकल मेरे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। टाइम का इसलिए पता नहीं चल रहा है बिकॉज़ कनू के साथ क्या जितनी भी मदर्स हैं, जो बच्चे वाली मदर्स हैं, उनका अपने बच्चे के साथ टाइम कैसे बीतता है किसी को भी पता नहीं चलता। इवन मुझे खुद नहीं पता चलता है। कनू आजकल जो उसका टाइम टेबल बन रखा है वो ऐसा है कि वो रात को 1:30 या 2:30 बजे उठती है। फिक्स टाइम है लड़की का, बिल्कुल एकदम ना इधर ना उधर। एंड 1:30 कभी 2:30, परसों वो 2:30 बजे उठी थी, कल वो 1:30 बजे उठी। एंड देन उसके बाद सो वो उठी रहती है और सुसु और खेलना ऐसा करती है। एंड उसके बाद क्या है, मॉर्निंग तक वो उठी रहती है। इवन परसों वो 11:30 तक उठी रही थी, आज भी वो 11:30 बजे तक उठी रही। मैंने उसकी 11:30 बजे उसकी बात करा, 10:30 बजे उसकी मालिश करी थी, देन उसके बाद वो सोई। फिर उसके बाद आज वो दोबारा उठी सोई अभी फ़िलहाल तो सो रखी है। एंड मेरा शेड्यूल ऐसा बना हुआ है कि मैं 1:30 बजे 1:30 बजे उठ जाती हूँ, देन उसके बाद मेरा सोना उठना ऐसा लगा रहता है कि थोड़ा सोऊंगी थोड़ा उठूंगी ऐसा लगा रहता है। एंड बस यही मेरा आजकल का शेड्यूल बन रखा है। एंड उसके हिसाब से जो है मेरा पूरा मॉर्निंग से लेके शाम तक का जो पूरा बनाया हुआ रहता है शेड्यूल, क्योंकि मेरे कॉलेज खुलने वाले हैं, 14 अगस्त से खुलने वाले हैं। मैं एमए योगिक साइंस कर रही हूँ इधर ही अपने कॉलेज की, अपने घर की साइड से। सो उसकी वजह से क्या है, पूरा मेरा डामाडोल हो गया, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि क्योंकि 10 बजे मेरा कॉलेज हो जाएगा स्टार्ट। एंड मैंने सोच रहा था कि पहले उसकी मालिश करके उसको अच्छे से बात बात करा के सुला के तब कॉलेज चली जाऊँगी, इनकेस अगर वो ज़्यादा रोती है मेरे कॉलेज के बीच में तो कॉलेज से वापस आ जाऊँगी, बिकॉज अब बच्चे को नहीं छोड़ सकती, बिकॉज बस फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बच्चा है, देन उसके बाद मेरे लिए कोई और चीज़ें हैं। एंड क्योंकि रात को 2:30 बजे सो रही है तो ऑब्वियसली वो उठ रही है, तो वो थोड़ा सा क्या कर रही है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी नींद मतलब इतनी कच्ची कैसे हो रही है। मतलब वो थोड़ा सा सो रही है, मतलब उसके बाद क्या 11:30 या 12 बजे के बाद वो सो रही है, शाम तक सो रही है 5-6 बजे तक, देन उसके बाद 5-6 बजे के बाद उठ जाके फिर 9 बजे फिर सो जा रही है, 9 से लेके 1:30 बजे तक ऐसे शेड्यूल बना रखा है उसने। और उसकी वजह से ना मेरा ब्रेकफास्ट अच्छे से हो पाता है, ना लंच हो पाता है, इवन मेरा खुद का नहाना भी जो होता है वो 1:30 बजे या 2 बजे के करीब में होता है, देन उसके बाद फिर मैं दिन में सो जाती हूँ। हालांकि आज नहीं सोई हूँ, बिकॉज आज थोड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, मैंने बोला क्यों सोया जाए, क्यों ना थोड़ा टहल लिया जाए, थोड़ा फ्रेश हो लिया जाए। तो व्लॉग भी स्टार्ट करना था, सो मैंने सोचा पहले छत से कपड़े ले आऊँ, बट अच्छा मौसम हो रहा था तो मैंने सोचा चलो यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हालांकि आप मेरे पीछे और पूरा देख सकते हैं कितना क्लाउड हो रहा है, अगर आपको साफ दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देती हूँ, आप मेरी फीलिंग्स अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड हवा भी उतनी ही चल रही है, सर कपड़े उतार लेते हैं, नीचे चलते हैं, देन कंटिन्यू रखते हैं। चलिए
अच्छी चीज़ हो गई है जो कि आपको मुझे मेरे बैक में दिख रहा होगा, और वो अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारे बगल में घर बन रहा था उनका लेंटर डल चुका है, ये लेंटर, एंड सेकेंड डबल स्टोरी भी उनकी स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि बस थोड़ा सा रह गया, बस बन ही जाएगा बेचारों का, चलो अच्छा हुआ। हालांकि अंकल भी जब इनका घर बन रहा था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि बीच में बहुत सारी अड़चने आ रही थी घर बनने में, बट अब बन चुका है। सेकेंड डबल स्टोरी चढ़ा रहे हैं ये अब लोग, एंड स्टिल देख लो सुना सुना अंधेरा। चल एंड पूजा के पुतड़े भी आ चुके हैं, हियर इज पूजा ट्यूशन पुतड़े। चलिए कब कर लिया जाए, नहा तो लिया गया है क्योंकि अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 3:30 एंड चेहरे की ऐसी की तैसी बज के थोड़ा सा मेकअप कर लिया जाए। स्पेशल थिंग आज ये कि मैंने फर्स्टक्राई से कानों के लिए कुछ शॉपिंग्स करी थी, जो जिसमें से एक पार्सल आ चुका है एंड दो पार्सल अभी आने वाला है बिकॉज उसने मुझे कॉल करने के लिए कहा है, वो पहुंचने ही वाला है। एंड फर्स्ट भी मैंने वो मैंने अभी खोला नहीं है, तो मैं शॉपिंग जो मैंने करी है वो मैं एक बार सामने खोलूँगी, उसका रिव्यू दूँगी कि वो कैसा है, एंड देन सबको दिखाऊँगी। बिकॉज ऑनलाइन जो मैंने शॉपिंग दी थी सबको दिखाई दिया था, बट ऑनलाइन देखने में और सामने आने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सो ये मेरी फर्स्ट शॉपिंग है फर्स्टक्राई के साथ, इवन पूजा भी कर चुकी है। पूजा ने कानों के लिए कुछ कपड़े मंगाए थे जो हालांकि बहुत अच्छे थे, कपड़े तो बहुत सुंदर थे, पर उसने एक साल के शायद से वो एक साल की जब हो जाएगी तब वो कपड़े उसके उस पर आएंगे। सो ये मेरी फर्स्ट शॉपिंग है जो मैंने फर्स्ट क्राई के साथ करी है, एंड अब इसको थोड़ी देर में कॉल आ जाएगा, देन कंटिन्यू करते हैं अपनी इस वीडियो को। चलिए तब तक के लिए कुछ बना लिया। बन चुका है मेरा दलिया, ये रहा मेरा दलिया। और दलिया मैं किस तरीके से बनाती हूँ, पहले घी डालती हूँ, देन उसके बाद घी में दलिया को भूनती हूँ, देन उसके बाद पानी, और जब वो अच्छे से बन जाता है देन उसके बाद डालती हूँ दूध। और जो वाटर मैंने गर्म किया था आपको मैंने बताया नहीं, इसमें मैं पानी पीती हूँ गर्म पानी अजवाइन डाल के। और सेकेंड थिंग मैं इसमें डालती हूँ गिलोई, अगर आपने गिलोई सुना होगा वो बेसिकली जब डेंगू हो जाता है तो उसमें प्लेट्स को लेवल में लाने के लिए जो गिलोई का पानी पीते हैं वो मैं अजवाइन और गिलोइस में डालती हूँ, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अजवाइन का पानी आप लोगों को पता है ये टमी फैट घटाने के लिए, एक्स्ट्रा फैट घटाने के लिए होता है, और जो मदर बन चुकी होती है उनके लिए ये अजवाइन का पानी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो मैं ये पानी हमेशा मतलब दिन में 4 या 5 बॉटल पी जाती हूँ इतनी बड़ी, क्योंकि मैं पानी स्टोर करके रखती हूँ, मॉर्निंग में ही मैं उबाल लेती हूँ उसे अच्छे से, देन उसके बाद हल्का हल्का गुनगुना करके मैं पानी पीती हूँ। सो ये मेरा आज का आपके लिए एक वो होगा टिप्स होगी, हेल्थ टिप्स, एक दलिया और अजवाइन का पानी। मुझे अजवाइन का पानी कॉल आ गया उसका फर्स्ट ट्राई वाले का। चलिए और जो पहले मंगा चुकी थी वो ये पार्सल है जो मैंने अभी तक ओपन नहीं करा। पूजा प्लीज सीजर पकड़ पकड़ा देना से, तो स्टार्ट करते हैं इन्हें अनबॉक्स करना। चलिए गाइस, तो फर्स्ट शॉपिंग जो है वो मेरी है कनु के लिए ये वाले शूज। ये रहे जो शूज़ मैंने कनू के लिए मंगाए हैं, एंड अभी आपको मैं आगे से दिखाऊंगी। सो ये मुझे पड़े हैं, जो इसकी कॉस्ट है वो मुझे पड़ी है
ये 95 के थे, 196 का डिस्काउंट है, 207 के मुझे ये शूज़ पड़े हैं। ये मैं आगे से आपको दिखाती हूँ, ये पिंक कलर के हैं। जो इसका लिंक है, अगर हो सकेगा, पॉसिबल हो सकेगा तो मैं अपने मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके ले सकते हैं अगर आपको चाहिए होंगे। इसमें साइज़ भी काफ़ी सारे हैं, इसमें कलर्स ऑप्शन भी बहुत सारे थे उसमें। हालाँकि एक शायद से ब्राउन का ऑप्शन था और एक ये ब्लैक, ये पिंक का ऑप्शन है। ये रहे वो शूज़ जो मैं कल के लिए मैंने ऑनलाइन मंगाए, इज द शूज़। ओके, सो सेकंड जो है, सेकंड को भी अनबॉक्स करते हैं। ओके, ये शूज पहले आ गए थे, मैं अभी अनबॉक्स कर रही हूँ, पहले से मैंने करे नहीं। शूज़ जो मैंने कनू के लिए मंगाए हैं वो ये हैं। अभी मैं आपको क्लोज से करके दिखाऊंगी, बिकॉज दूर से उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा आपको। ये बेसिकली ऊन के बने हुए हैं, विंटर्स के लिए मैंने सोच के मंगाए थे, बिकॉज अब विंटर्स आने वाली हैं। और कनू का साइज़ तो मैंने ये 3x6 का मंगाया, 3x6 का इसलिए मंगाया क्योंकि अभी छोटे पैर हैं, सो ये आगे चल के भी काम आ जाएंगे। पुली कवर्ड है, सो पैर बड़े या छोटे उतने नहीं दिखेंगे, क्योंकि इसमें बांधने के लिए, टाइट करने के लिए लेस भी है, आप जितना टाइट करना चाहें। एंड इसकी जो MRP थी वो थी 275 की, कॉस्ट पड़ा, डिस्काउंट पड़ा है मुझे 165 का, और जो मुझे टोटल जो मुझे कैश इसके लिए देना पड़ा ये वो है 115 रुपीज़। ये जस्ट मुझे 115 रुपीज़ का पड़ा है। बहुत ही क्यूट शूज़ हैं, दो शूज़ मैंने उसके लिए मंगा रखे हैं। एंड एक थर्ड शॉपिंग जो मेरी है, जो कि मैंने आपको बताई थी कि मुझे एक बॉटल चाहिए थी, बट वो कॉम्बो था जो कि मैंने नहीं देखा था, और वो कॉम्बो के साथ आ गया है। सो ओके, सो ये रही फर्स्ट बॉटल। अभी पूरा डिटेल में मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ कि ये पूरी डिटेल जो बॉटल की वगैरह है। ओके, सो ये बेबी हग की बॉटल है और अच्छी बॉटल है। मैंने भी इवन इसके बारे में काफ़ी जब मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था पूरी बॉटल के बारे में, तो एक बॉटल ये है। इसका आप बॉटल का पूरा ऊपर का साइज़ जो है वो देख सकते हैं। ये बेसिकली जो है ये मेरे ख्याल से 150 ml की है। ओके, एंड दिस सेकंड बॉटल जो मैंने मंगाई है, वो सेकंड बॉटल जो कॉम्बो में आई थी, बेसिकली क्या है, मैंने ये वाली बॉटल मंगाई थी, बट ये वाली कॉम्बो में इसके साथ मिल गई थी। ये बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड ये है 250 ml की। ये बॉटल इस तरीके की है, बेबी इसे इजीली कैरी कर सकते हैं इसे, और ये दोनों बॉटल काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बट मैंने मंगाई ये थी तो मुझे कॉम्बो में ये आ गई थी। ओके, एंड ये जो मुझे रेट की पड़ी है, बोलो से हाय, हाय का है। ये मेरी हर वीडियो में आपको गुस्सा बढ़ावा मिलेगा। ये क्या है, कहाँ से लाया? ओके, सो बेसिकली ये जो बॉटल पड़ी है, ये पड़ी है मुझे 145 की, एंड सॉरी, हाँ 145 की, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया उन्होंने। एंड ये बॉटल पड़ी है मुझे 295 की। सो जो ये दोनों बॉटल है, ये 250 ml की जो मैंने बताई आपको, और ये है 150 ml की, मीन्स थोड़ा छोटा बड़ा है, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी में भी है, जो इसका प्लास्टिक जो है इसका वो भी अच्छा है। बेबी हग का बॉटल है ये, एंड चलिए पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में डिटेल देती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ पूरी बॉटल, बॉटल एंड शूज। चलिए सो फर्स्ट शॉपिंग मेरी ये रही, जो मैंने आपको क्लोज से दिखाने के लिए बोल रही थी मैं। अगर आप फर्स्ट क्राइम में जाके देखते हैं, वैसे तो मैं लिंक दे दूंगी, बट अगर मैं इनकेस अगर लिंक ना दे पाऊँ तो ये है एम्ब्रॉयडरी बूटीज, एंड ये मुझे पड़ी है 207 की जो मैंने आपको दिखाई है। ये इन पिंक कलर है, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये वर्कड है, मतलब जैसे वो होती ना ऊन, ऊन जैसे हम स्वेटर बनाते हैं वो ऊन से बनाई हुई है, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ओके, जो सेकंड है ये टोटली ऊन से बनी हुई है। बेसिकली इसमें जो है अंदर जो है थोड़ा सा फॉर्म वगैरह, थोड़ा सा गत्ता वगैरह लगा हुआ है उसे सपोर्ट देने के लिए, बट ये जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली ये टोटली ऊन से बनी हुई है, और इसके अंदर जो है वो जैसे मतलब बच्चों को ठंड ना लगे वो होता है ना ऊन जो कवर होता है फॉर्म टाइप का एक वो चीज़ है। काफ़ी वॉर्म भी है और बहुत ज़्यादा क्यूट है, और ये पड़ी है मुझे 115 रुपीज़ की।
इन जस्ट 115 एंड 165 का मुझे डिस्काउंट पड़ा है, इस वाली में मुझे 196 का डिस्काउंट पड़ा था। एंड ये रहा मेरा सेकेंड शॉपिंग मेरे बच्चे के लिए। ओके सो थर्ड जो मैंने शॉपिंग करी है वो पड़ी है मुझे फर्स्ट वाली 150 ml की जो ये बॉटल है ये पड़ी है मुझे 145 की। सेकेंड वाली जो 250 ml की है ये पड़ी है मुझे 295 की। और दोनों ही बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही अच्छी इनकी जो मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा था, बेबी हग की बॉटल्स हैं ये। और इसकी जो बेसिकली ऊपर की जो निप्पल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से कैरी करने वाली भी है बेबीज़ के लिए। सो यस, तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग जो मैंने तीनों मेरे बच्चे के लिए फर्स्ट प्राइस से की है। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। एंड जिसे कहते हैं ना एक सेटिस्फैक्शन, वो मुझे पूरी तरीके से फर्स्ट क्राई से हुआ है। जो मैंने शूज़ मंगाए वो कनू के लिए बिल्कुल परफेक्ट आए, हालांकि मैंने 3-6 का मंगाया था इसका साइज़, बिकॉज अभी कनू छोटी है। सो ये शूज़ जब उसके पैर में आएंगे तो पूरे कवर्ड हैं, सो उतनी जल्दी ऐसा नहीं होगा कि वो पहनेगी तो निकल जाएंगे। आई एम सेटिस्फाइड विद माई शॉपिंग एंड काफ़ी अच्छा मटेरियल है ये शूज़ जो है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे खास बात ये लगी है, एक तो ये पूरा कवर्ड है, दूसरा इसमें लेस लगा की है। अगर बच्चे का पैर बड़ा भी है या छोटा भी है, छोटा है तो मैं उसे मतलब एक टाइट कर सकती हूँ नेप देके। एंड दी सेकेंड थर्ड थिंग जो है वो बॉटल की मुझे सबसे अच्छी जो लगी है इसमें, इसने डिस्क्रिप्शन में बता रखा है बॉटल के बारे में, एक ये एंटीकॉलिक है। एंटीकॉलिक इन द सेंस लाइक मतलब बच्चे को इसमें दूध देने के बाद कोई भी पेट दर्द की शिकायत नहीं होगी आपको। सेकेंड थिंग, मिमिक्स मदर ब्रेस्ट एंड निप्पल्स, मतलब एक कॉपी है मदर के ब्रेस्ट की इसमें बॉटल्स में। एंड माइक्रोवेव सेव है, सबसे अच्छा बात है। एंड दी फोर्थ पॉइंट है सेफ फॉर बेबी 100%। पॉलीप्रोपिलिन बॉटल है ये, पॉलीप्रोपिलिन मतलब होता है दूध किस्म का एक प्लास्टिक, मतलब कि जैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों की जो बॉटल होती है उसे बच्चों को बॉटल में दूध देने से पहले हम उसे एक बार वॉश कर लेते हैं गर्म पानी से। एंड जब हम उसमें दूध भी दे देते हैं देन उसके बाद हम दोबारा वॉश करते हैं मतलब गर्म पानी में। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं बॉटल को उबालते हैं गर्म पानी में, सो उसके लिए बेस्ट है। आप इसे चाहें तो मतलब एक गर्म पानी में उबाल भी दे सकते हैं ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए, और आप चाहें तो इसमें गर्म पानी डाल के इसको कुछ देर के लिए रख सकते हैं ताकि वो अच्छे से वॉश हो जाए। सो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। एंड यस, अगेन एंड अगेन आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद फर्स्ट क्राई। ये मेरी फर्स्ट क्राइज के साथ मेरी फर्स्ट शॉपिंग थी। एंड अब ये मेरी शॉपिंग जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है, बिकॉज बच्चे के साथ हर कोई जानता है पॉसिबल नहीं हो पाता है मार्केटिंग करना तो दूर की बात है, विंडो शॉपिंग तक नहीं कर पाते हैं कि चलिए एक बार मार्केट हो जाए या बिग बाज़ार हो जाए या कहीं भी हो जाए कि क्या चीज़ नहीं आ रखी है, वो तो बहुत दूर की बात होती है विंडो शॉपिंग होना। बट कभी कभी लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर हम जैसे लोगों के लिए जो थोड़ा भी घर से नहीं निकल पाएंगे। हालांकि अभी बेबी जब फर्स्ट बड़ा छोटा छोटा होता है तो उसके साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है कहीं जाना, बट अपनी इच्छाएं होती हैं जो बहुत कुछ मंगाने अपने बच्चे के लिए। सो जो मेरी इच्छा थी मैंने आज वो मंगाई एंड सेटिस्फाई विद माई शॉपिंग। सो ये था आज का मेरा दिन। गाइज, आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अगेन एंड अगेन Advices are most welcome. And guys, एक बात बहुत ज़रूरी, मेरे videos पे views बहुत आ रहे हैं, unexpected, मतलब मेरी expectation से ज़्यादा views आ रहे हैं, but according to that like नहीं हो पा रहे हैं। I don't know क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी videos अच्छी लगती है तो मेरी videos को like ज़रूर कीजिए, एक thumbs up का bell ज़रूर दबाइए। And तब तक के लिए नमस्कार, शुभ अकाल, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye bye.